हाय एवरीवन, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो अब तक हम लोग डेफिनेशन वगैरह किया, जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सापेक्षित अपेक्षित और क्या था फिर, सापेक्षित अपेक्षित, सम विषम, है ना, सम विषम, परिमेय अपरिमेय, सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, इनमें से जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है। जुड़वा अभाज्य संख्या बताया पहले ही, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसको हम ट्विन प्राइम कहते हैं ना, जिसका किस जिसमें कितना का अंतर हो, दो का अंतर हो, और दो का जब अंतर होगा दोनों संख्या क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। प्राइम मतलब जिसका केवल दो ही फैक्टर होगा, खुद का और एक से। एग्जांपल के तौर पर इसका देखो, एक प्राइम नंबर होता है क्या, नहीं होता, तो पहला वाला ही नहीं होगा, नहीं होगा ना, ये नहीं हुआ। अब देखो, एक प्राइम नंबर होता है, नहीं होता है, एक वाला होगा ही नहीं, क्योंकि प्राइम एक का प्राइम फैक्टर कितना होता है, एक ही होता है, तो कम से कम दो चाहिए ना प्राइम के लिए। अब तीन और पांच को देखो, ये होगा तीन और पांच, तीन का प्राइम फैक्टर केवल एक और तीन, पांच का भी प्राइम फैक्टर एक और तीन, इसका भी एक और पांच, है ना, केवल दो दो हो रहा है ना, मतलब क्या है, यही वाला होगा जुड़वा अभाज्य संख्या। नौ नहीं होगा, किस लिए नहीं होगा, क्योंकि एक और सात ये तो ठीक है, बट इसका कितना डोर है, एक से जाएगा, तीन से जाएगा, नौ से हो जाएगा, इतना सारा से जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, तीन और पांच किए थे सभी, ठीक है, एकदम बढ़िया। अगले क्वेश्चन है, एक से एक सौ के बीच कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको याद भी करवा दिए थे, कितनी है, आठ है, वो आठ कैसा है बताए थे, आठ क्या क्या था, आठ में क्या क्या था, एक से एक सौ के बीच, हाँ दो तो नहीं होता ना, नहीं होता दो, हाँ दो होता है, कैसे नहीं होता, दो का होता है ना प्राइम फैक्टर, दो, एक और दो से जाता है, दो और तीन होगा, हाँ तीन और पांच होगा, देखो आठ कैसे होता है, देखो फिर सात, नहीं नहीं पांच और सात होगा, पांच सात होगा, फिर क्या होगा, ग्यारह और तेरह होगा, फिर इधर चले जाओ सत्रह और उन्नीस होगा, और बताओ इक्कीस तेईस तो नहीं होगा, सीधे चले जाओ उनतीस और इकतीस, है ना, फिर जाएगा कहाँ, इकतालीस और तैतालीस, फिर जाएगा कहाँ, उनसठ और इकसठ, फिर जाएगा कहाँ, इकहत्तर और तिहत्तर, और जाएगा कितना होगा, गिनो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ हो जा रहा है। एक से एक सौ के बीच कितनी जुड़वा अभाज्य, अच्छा जुड़वा अभाज्य संख्या हम लोग दो का अंतर ना, इसमें दो का अंतर है क्या, नहीं, तो ये वाला होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा ना, बाद में दो का अंतर है कि नहीं, देखो है ना, तो वो वाला गलती कर दिया था, वो एक का अंतर हो रहा ना, हाँ जुड़वा अभाज्य संख्या मतलब ट्विन, ट्विन प्राइम नंबर कर रहे थे ना, ट्विन ट्विन प्राइम नंबर में दो का अंतर होना चाहिए, कितना, टू का डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर कितना कितना हो रहा है, एक से एक सौ के बीच तक में, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इसलिए कहाँ की है, आठ में, इसको सही के, क्लियर हो गया आप, हाँ। और कुछ कुछ को याद भी कराए थे, हाँ याद कराए थे ना, एक से एक सौ तक कितना, पच्चीस, सॉरी एक से एक सौ तक कितना हुआ, आठ, एक से एक सौ तक कहाँ, आठ ना, फिर एक सौ से दो सौ तक, फिर दो सौ से तीन सौ तक, देखो कॉपी देखो बढ़िया से, प्राइम नंबर बताया था, प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर था, जुड़वा नहीं, जुड़वा नहीं था, वो प्राइम नंबर था, देखो पच्चीस इक्कीस सोलह सोलह सत्रह चौदह सोलह चौदह पंद्रह चौदह, है कि नहीं, वो प्राइम नंबर था ना, हाँ वो प्राइम नंबर, जुड़वा नहीं था वो, ठीक है, वो जुड़वा नहीं था। अब आगे देखो, यदि P एक अभाज्य संख्या, इसको अभाज्य संख्या माना गया, ध्यान से देखो, ये P एक अभाज्य संख्या है, तो P स्क्वायर के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड मतलब फैक्टर कितना होगा, जैसे पांच का फैक्टर क्या होता है, एक और पांच, सेम उसी प्रकार P को एक अभाज्य संख्या मान लिया गया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन हम लोगों का ये है, तो P स्क्वायर का क्या करेंगे, P स्क्वायर का कितना फैक्टर बनेगा, P स्क्वायर का एक से तो जाएगा ही, पी से भी जाएगा है, और पी स्क्वायर से भी जाएगा, जाएगा ना, कितना फैक्टर हो रहा है, एक दो तीन, कितना, तो कहां राइट करेंगे, तीन में, तीन में क्यों, हाँ अब समझ में आया कि नहीं है, क्लियर हुआ, पी स्क्वायर एक से जाएगा, पी से जाएगा और पी स्क्वायर से भी जाएगा, इसलिए कितना फैक्टर बना, एक दो तीन, इसलिए तीन में राइट किया, क्लियर हुआ आप, तो ऐसे ही क्वेश्चन हो सकता है, अगर यहां पर तीन रहता है तो कितना टो फैक्टर बन जाता है, चार टो हो जाता है, सॉरी तीन टो हो जाता है ना, तीन टो हो जाता है ना, हाँ जैसे यहां पर एग्जांपल के तौर पर, यहां पर अगर हम एन स्क्वायर दे देते तो यहां पर कितना टो फैक्टर बनता, एक
एक से तो जाएगा, कोई भी जाएगा, एन से जाएगा, फिर एन स्क्वायर से जाएगा। अगर यहाँ पर तीन देते तो यहाँ भी तीन देना पड़ता, चार देते तो यहाँ चार देना पड़ता है ना, होता है ना। जैसे यहाँ पर एन का पावर चार देती है तो कितना का फैक्टर होगा यहाँ, तीन। तीन कैसे होगा देखो, बता रहे ज्यादा होगा, एक से हो जाएगा, एन से जाएगा, एन स्क्वायर में भी तो जाएगा, एन स्क्वायर तूने कितना का फैक्टर हुआ, चार। तो अंधाधुंध नहीं बोलना, देखना है किसका क्या हो रहा है, ठीक है। उसको डिजिट को देखना है, वो क्या चार है ना, चार इवन है मतलब जाएगा दो से भी। क्लियर हुआ ये? आगे देखो, निम्न में कौन सा जोड़ा, कौन सा जोड़ा अभाज्य संख्या, सबसे बिगेस्ट नंबर को ऑप्शन में ले लेना, सबसे बिगेस्ट नंबर को ऑप्शन में, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 191 और 193, ये किसका स्क्वायर के जस्ट कम है, 14 का में 196 ना, 196 का जस्ट उसके क्या है सामने है, है ना। इसका कितना होता 14, तो 14 तक लोगे क्या अभाज्य संख्या, क्या क्या होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या एक होता, एक तो नहीं होता अभाज्य संख्या, दो होता है, तीन होता है, पांच, सात, ग्यारह और तेरह, इनको भाग दे के देखोगे, इससे दो का फड़ा में एक आएगा, तीन आएगा नहीं आएगा, दो का पड़ा में एक, तीन छक्का 18, 11 बच रहा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसको जब 5, 7, 11, 13 को अगर इनसे किसी एक का भी भाग अगर लग जाता तो नहीं होता ये, है ना। तो ऐसे ही चेक करना, किसी में भी नहीं हो रहा, क्या हो रहा, किसी में भी नहीं हो रहा, जिसके कारण ये वाला आंसर हो जाएगा। तो बड़ा को चेक करोगे इसमें, इस लाइन में जो भी बड़ा होगा उसको चेक करोगे, क्लियर। अगला देखो, एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अंक x है तो इस प्रकार कितने अंक हो सकते हैं, क्या बोल रहा, अभाज्य संख्या बोल रहा, अभाज्य संख्या ध्यान रखोगे इसको, अभाज्य संख्या कह रहा है। तो एक कितने तो ऐसा संख्या हो सकता है ना, एक, एक एक, दो एक, तीन एक, चार एक, इस तरीके से जाएगा ना, एक वाला एक हो रहा है इकाई के अंक पर, एक आ रहा कि नहीं आ रहा है ना, वैसे वाला इकाई अंक वाला अभाज्य संख्या होना चाहिए, कितना तो होगा, ठीक है। उसके बाद देखो दो दो वाला देखो, दो का कितना फैक्टर होता है, दो रेक, दो रेक ना, तो एक तो दो भी होगा, फिर देखो तीन, तीन का भी होगा ना, तीन होगा, जैसे चार, चार होगा, चार नहीं होगा ना, चार नहीं होगा, पांच, पांच होगा, पांच होगा ना, हाँ, जैसे पांच 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 जो भी है, ठीक है, पांच में 65 आ सकता है, 68, इवन इसको अगर भाग दोगे तो होगा, लेकिन सिंगल पांच को अगर लिखते हो तो वो अभाज्य संख्या होगा, है ना। जैसे तुम अगर लिख दो तो बोलोगे ये 55 अभाज्य संख्या है, इकाई अंक देखना ना, मैं किसको देखना, अब बोलोगे 33 ये तो भाग जाता है अभाज्य संख्या नहीं होगा, नहीं इकाई अंक देखना, क्या बोला है, इकाई अंक ना, इकाई अंक किसका क्या होगा, तीन होगा, तो तीन का तीन लिख दे, लिख देना, इसका भी इकाई अंक करना है, जैसे दो दो कर दिए, इकाई अंक क्या है, दो है, इकाई अंक कोई लिखना है, 22 लिखोगे तो फिर 22 क्या हो जा रहा है, अभाज्य संख्या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, भाज्य हो जा रहा है, तो उसको ध्यान देना है। फिर देखो 6 तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, 6 दो से जाता है, एक से जाता है, 6 से जाता है, 7 होगा कि नहीं, 7 होगा, देखो 67, 37 ये सब आ रहा है कि नहीं, तो 7 भी आएगा, फिर और क्या होगा, 9 तो नहीं होता है, होता है क्या 9, और कुछ छूटा इसमें, और क्या होना चाहिए इसमें, 1, 2, 3, 5, 7 हाँ इतना ही। एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अंक x है, इस प्रकार कितने अंक हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं इसमें, एक वाला तो काम हो गया, ठीक है, एक वाला हो गया, दूसरा दो में, दो में और भी हो सकते थे, जैसे 32 हो सकता है, इकाई क्या हो रहा, दो हो रहा है, लिख दे यहां पर, 33 वाला को भी लिखे इसे, चार तो बिल्कुल नहीं होगा, पांच वाला होगा, छ और नहीं होगा, छ नहीं होगा, छ नहीं होगा ना, सात नहीं होगा, आठ होगा क्या, आठ भी नहीं होगा, नौ, नौ भी नहीं होता, लेकिन नौ में कुछ कुछ नंबर में आ सकती है, एग्जाम्पल के तौर पर नौ में देखो, नौ में 29 को ले लो, होता है क्या इसका, 29 का फैक्टर केवल दो ही होता है, अभाज्य संख्या हो रहा है, 19 देख लो, 19 का भी 39 तो जाता है ना, 39 जाता है, 49, 59 देख लो, फिर
उनसठ के बाद 89 देख लो, 79 देख लो, यहां पर देखो इकाई अंक, इकाई अंक को लिखना है, किसी ने एक में हो रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर 19 का फैक्टराइजेशन केवल दो होता है, इसलिए अभाज्य संख्या में आ रहा है। इसका भी फैक्टराइजेशन 29 का कितना, दो होता है, इधर नहीं तो उधर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहां पर नहीं हो रहा था लेकिन उधर तो हो रहा था ना इकाई में, हाँ यहां पर इकाई काम नहीं कर रहा, जब मिल रहा दोनों तो अभाज्य संख्या बन रहा है, इसलिए आंसर क्या हो गया, कितना हो गया, गिनो यहां से 6 हो रहा है, तो आंसर क्या होगा 6 होगा। तो ध्यान रखना है कि एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अंक एक से, तो इस प्रकार के कितने अंक एक हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कितने 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा जा चुका है, इसको लिखेंगे, क्वेश्चंस को लिखेंगे, क्वेश्चंस लिखो। अगला क्वेश्चन है, यदि n कोमा n प्लस 2 और n प्लस 4 अभाज्य संख्या है तो n के लिए संभावित हलों की संख्या क्या होगी, है ना। हम लोग ट्रिपलेस प्राइम नंबर बताए थे, ट्रिपलेस प्राइम नंबर क्या बताए थे, इसमें 357 यही मात्र एक ऐसा संख्या है जिसमें दो दो का अंतर है, दो दो का अंतर, इसको ट्रिपलेस प्राइम नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रिपलेस प्राइम नंबर। इसी से चेक करो इनमें से कोई नंबर है क्या यहां पर, कौन है, तीन है, तो तीन में बैठा होगा, क्या है, एन है पहले, फिर एन प्लस टू है, फिर क्या है, एन प्लस फोर, एन है, एन के जगह पर बैठा हो तीन, बैठ गया, हाँ बैठा ना, एन के जगह पर क्या बैठा है, तीन बैठा है, यहां भी तीन और दो कितना हो जाएगा, पांच होगा, और यहां तीन और चार कितना हो जाएगा, हाँ सात हो गया, क्या हो गया, सात हो गया। तो सात क्या है, सात क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या है कि नहीं। अगर हम यहां पर पांच बैठा जाता है, एन में कितना बैठा था, पांच बैठा था, पहला वाला टर्म में क्या बैठा है, एन में तीन बैठा है, ठीक है, और दूसरा हमें पांच बैठा के देख रहे, कितना बैठा के, पांच बैठा के देख रहे, एक इसलिए नहीं बैठा है, यहां से एक एक करके बैठाते जाएंगे, ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, लेकिन दो में चार जोड़ेंगे तो छह हो जाएगा, छह अभाज्य संख्या हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, अभाज्य संख्या नहीं निकालना है, तो अभाज्य संख्या के लिए किसको बैठाएंगे, एक तो नहीं होता अभाज्य संख्या, होता है क्या, तो एक बैठाना नहीं है इसको, इसमें चेक भी नहीं करना है, हम सीधे जाएंगे दो में जाएंगे, क्योंकि दो अभाज्य संख्या, दो में जब जा रहे हैं हम लोगों का कितना आ रहा, छह आ रहा ना, दो में तुम अगर बैठाते हो दो, यहां पर दो दो चार, और यहां पर छह आ रहा, छह क्या है, अभाज्य संख्या है, नहीं है, इसलिए यहां पर दो कैंसिल हो गया। अब तीन में जब बैठा है कितना आया, सात आया, सात अभाज्य संख्या है कि नहीं, है ना, इसलिए ये वाला आंसर होगा, ट्रिपलेस प्राइम नंबर से बनाएगा, इसी से थोड़ा सा ध्यान देना, इसको जोड़ने पर कितना होना चाहिए, एन का वैल्यू बैठा बैठा के देखना है, एन में कभी एक बैठाएंगे तो कभी नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि एक इसलिए नहीं बैठाएंगे, इवन इसको अगर तुम बनाता हो, एन और एक कितना हो जाएगा, पांच हो रहा है, एक यहां अगर बैठाते हो, एक और चार कितना हो रहा है, पांच हो रहा है, पांच प्राइम नंबर है, बोलोगे प्राइम नंबर है, बट एक प्राइम नंबर नहीं ना है, इसलिए एक को नहीं बैठाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीन। अगला क्वेश्चन देखो, इसको भी ध्यान से देखो, एक्स वाई जेड अभाज्य संख्या आता था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, 38 है, तो एक्स का अधिकतम मान ज्ञात करना है, एक्स का अधिकतम मान ज्ञात करना है, मतलब समझ लोगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 38 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 38 है, मतलब दो ठो ओड को गुना जोड़ा गया होगा, दो ठो ओड को, ओड प्लस ओड और एक तो इवेन को, तभी तो होगा, तीनों को अगर ओड करेंगे तो कभी होगा क्या, इवेन आएगा, कभी नहीं आएगा, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, दो ठो ओड तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ जो भी है, उसके बाद इवेन, और इधर प्लस मतलब इधर प्लस तो है, कोई भी नंबर को जोड़ो, जैसे पांच और नौ जोड़ो, नौ पांच चौदह क्या है, इवेन नंबर है कि नहीं, तो सबसे छोटी इवेन प्राइम नंबर क्या होता है, दो होता है, क्या होता है, दो होता है ना, क्या होता है, दो होता है, और यहां पर कितना है, 38, और यहां पर बचा क्या, x प्लस वाई, सबसे छोटी दो बैठा है, सबसे छोटा था, यही फायदा है इसको बैठाने का, इवेन है, सबसे छोटा इवेन तो दो ही होता है, बाद बाकी सब होगा क्या, कभी नहीं होगा, दो हो गया, इसको x प्लस वाई, इसको तुम अगर उधर ले जाओगे तो कितना बनेगा, 34 बनेगा, हाँ बनेगा ना, 34 बिल्कुल बनेगा। उसके बाद करना क्या है, यहां पर तुम दिमाग लगाओ, या फिर इसको यहीं पर छोड़ दो, और यहां पर तुम दिमाग लगाओ, यहां पर दो है, दो में यहां पर इन दोनों को कौन कौन सा नंबर जोड़ोगे, जो जोड़ने पर कितना आ जाए, 36 आ जाए, क्या करोगे यहां पर, हाँ चलो पांच जोड़ दिया, पांच और 29 जोड़ोगे कितना होगा,
34 हुआ, 34 और 2 कितना हुआ 36, तो अधिकतम मान कितना हो रहा है यहां पर, अधिकतम मान किसका है, इधर देखो, हाँ वाई का अधिकतम मान 29 है, अधिकतम मान कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, तुम एक्स वाई को मत देखो, यहां देख रहे हो क्या ऐसा, हाँ ऐसा नहीं देखना है, ठीक है, हाँ हाँ संख्या ज्ञात करना ना। अच्छा हम लोगों को x का वैल्यू देखना ना, हम लोगों का जो निकला, एक सेकेंड फिर से देखो, तो दो ठो ओड को जोड़ेंगे और एक इवेन को ना, तो इवेन में क्या जोड़ रहे हैं हम, दो जोड़ रहे हैं क्योंकि इवेन दो होता है ना, और यहाँ 38 है ना, कितना है 38 है, 38 है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बचा है, जेड के जगह पर ना लिखे, हाँ जेड के जगह पर ना लिखे, एक्स प्लस वाई जेड के जगह पर क्या लिखे, दो लिखे, क्योंकि दो सबसे इवेन प्राइम नंबर होता है। अब एक्स प्लस वाई ये दो उधर चला जाएगा तो 38 माइनस दो होगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 36 आ गया। अब इन दोनों नंबर में बैठा हो गया, ऐसा ऐसा नंबर बैठा हो कि जोड़े पर क्या आ जाए 36। एक्स में अधिकतम मान बैठा हो गया, अधिकतम मान, तो क्या क्या अधिकतम मान करोगे, यहां पर 31 करोगे और यहां पर 5 करोगे, 36 आया कि नहीं। हम चाहते तो 5 को यहां लिखते, तो 5 को अगर यहां लिखते तो अधिकतम मान होता क्या, तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको यहां लिखना x में, अगर y का अधिकतम मान बोलता तो 31 को यहां लिखते, 5 को यहां लिखते, क्लियर हुआ। तो x का अधिकतम मान कितना हो गया 31, ये हो गया। अगर y का अधिकतम मान पूछता तो 31 को यहां लिखते कि नहीं, हाँ इंटरचेंज करते, ठीक है, तो जिसका अधिकतम मान बोलेगा उसको वहां पर लिखना है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया 31 हो गया। अगर y का बोला होता तो हम 31 यहां नहीं लिखते, यहां पर लिखते और 5 यहां लिखते, ठीक है। और एक सेम टू सेम क्वेश्चन देंगे इसका, देखो तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है 100 है, यदि इनमें से एक किसी दूसरे संख्या से 36 अधिक है, कितना है 36 अधिक है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या है, तब वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है उसको हम पता लगाएंगे। तीन संख्या है ना, तो तीन संख्या हम मान लेते हैं, x प्लस y प्लस z कितना है, योगफल कितना है 100 है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। अब करना क्या है, इनको क्या बोला, तीन अभाज्य संख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तीन अभाज्य संख्या होना चाहिए, मतलब अब करोगे क्या इसमें 98, तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, कितना अधिक है 36 अधिक है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या क्या है, इसको हम ट्रिप देखो, एक यहां पर इवेन है, मतलब एक ठो ओड बैठाएंगे, एक ठो दो ठो ओड बैठाएंगे और एक इवेन बैठाएंगे, क्योंकि दो ओड जैसे 5 और 3, दो ओड हुआ कि नहीं, जोड़े तो इवेन हो रहा कि नहीं, तो दो ठो ओड बैठाएंगे और एक इवन बैठाएंगे, तो ये आएगा। तो हम एग्जांपल के तौर पर यहां पर एक्स में क्या बैठा देते हैं, दो बैठा दें, क्या बैठा दें, दो बैठा दें, और यहां पर वाई से कितना एक अधिक है बोल रहा, 36 अधिक है, 36 कर दिया अधिक, हो गया ना अधिक, अब क्या करोगे 100 है ना। अब देखो वाई कितना बन जाएगा, 2y बन गया, और 36 और 2 कितना हो जाएगा, कितना हो गया 38, 38 को उधर ले जाएंगे, 100 माइनस 38 हो जाएगा, घटाओ इसको कितना होता है, 100 से 38 घटाओगे, 100 से 38 घटाओ कितना हुआ 62 हुआ, तो 2y बराबर कितना हो गया 62 आ गया, कटेगा ना, 3 दूने 6 या 2 3 6 2 1 2, तो y बराबर कितना आया 31 आया। अब y का वैल्यू इसमें बैठाएंगे, y प्लस 36 माने थे ना, हाँ इसलिए क्या करोगे, y प्लस कितना है 36 ना, अब यहाँ पर बैठाओ, y का जगह कितना आया 31, यहाँ पर 31 बैठाओ, 31 प्लस 36 जोड़ दो कितना आएगा 67 आएगा, तो 67 में क्या करेंगे, राइट करेंगे, फिर से समझो इसको, तीन अभाज्य संख्या लेना था हम, x प्लस वाई प्लस जेड ले लो, और हमको पता है दो टो अभाज्य संख्या, दो टो ओड जोड़ेंगे और एक टो इवेन जोड़ेंगे तो हमें इवेन आएगा, क्योंकि इवेन दिया इशारा कर रहा है, तो सबसे छोटी इवेन नंबर 2 होता है, 2 बैठा दिया, एक संख्या जो दूसरी संख्या से कितना होगा 36 अधिक, एक संख्या को मान लिया ये, दूसरी संख्या से इस संख्या से कितना अधिक होगा, वाई प्लस 36, 36 कम होता तो माइनस करते, अब
दो और 36 को जोड़ दिया तो 38 हुआ, 38 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हुआ। अब वाई वाई क्या बन गया, दो वाई बन गया। अब दो वाई और इधर 100 से 38 घटाया कितना हुआ, 62 हुआ। अब 2 से 62 को काटे 31, अब y प्लस 36 सही माना था ना, वो अधिक हो रहा तो कितना अधिक हो रहा है, y का वैल्यू तो आ गया, इसका वैल्यू आ गया कितना आ गया 31 आ गया। अब दूसरा वाला जो उससे अधिक हो रहा वो कितना है, उसको जाने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 36 इसमें क्या कर दे, इसका वैल्यू बैठा दे, और इसका तो था ऑलरेडी निकाले हुए, कितना हो गया 67 हो गया। ये क्लास 10 जी से है, देखो इसको वर्ड में करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, आई बात समझ में। ये तो एक्चुअल में ये नंबर हमको पहले से ही पता हो जाता है, इसलिए पता हो जाता है क्योंकि तीन नंबर दे दिया है, तीन नंबर में एक तो इवेंट करना ही है ना, तीन तो इवेंट करना ही है, और अभाज्य संख्या बोला है, तीनों को इवेंट नहीं करोगे, तीनों को इवेंट कर, दो ही मात्र एक ऐसा इवेंट है, दो ही मात्र प्राइम नंबर है, बार बाद बाकी तो होगा भी नहीं, चार ले लो होगा, छह ले लो होगा, इसलिए केवल दो ही है, दो एक इवेंट दे रहे मतलब सबसे छोटा दो ही है, उससे नीचे तो होगा भी नहीं और ऊपर भी नहीं होगा, नहीं होगा ना, इसलिए हम दो बैठा दिए और एक नंबर हम मान लिया वाई, और वाई से कितना अधिक बोल रहा है 36 अधिक, कोई नंबर अगर मान रहे हो तो 36 अधिक, अधिक मतलब प्लस कर दिए, इन दोनों को जोड़ दिया 38 हुआ, 38 को उधर ले गए माइनस हो गया, अब घटा कितना हुआ 62 हुआ, अब 2 से 31 को काट दिया कितना हुआ 62 को काट दिया 31 हुआ। अब ये जो माने हम, ये जो y प्लस 36 ये कितना अधिक हो रहा है, इसका मान तो निकल गया कितना 31 निकला कि नहीं, y का मान पूछता तो हम 31, वो अधिक जो हो रहा कितना अधिक हो रहा है वो पता करने के लिए y प्लस 36, y का वैल्यू 31 आया और उसमें 36 दोनों को ऐड कर दिया कितना हुआ 67, और 67 आंसर हो गया इसका, क्लियर बेटा इसको, हाँ जल्दी करोगे रिवीजन करोगे उतना ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, रिवीजन करोगे फिर भी नहीं, अगर नहीं समझ में आता तो फिर से आकर पूछोगे, हो जाएगा ना, कोशिश करना समझने की कोशिश करोगे, अगर फिर भी नहीं होता तो फिर बताएंगे उसको, दो बार तीन बार रिवाइज करो, अब बिना देखे होना चाहिए सबका, कुछ कुछ रूल सबको जो जो है याद रखो प्रीवियस क्लास का। अब देखो नौ नंबर क्वेश्चन बताए थे, हाँ आए क्वेश्चन, एन स्क्वायर माइनस 33 फिर एन स्क्वायर माइनस 31 कोमा देगे ना, एन स्क्वायर माइनस 31 तथा एन स्क्वायर माइनस 21 एन स्क्वायर माइनस 21 29 फिर अभाज्य संख्या हो तो, अभाज्य संख्या हो तो एन का संभावित मान क्या है, संभावित मान क्या है जहां n एक पूर्णांक है, क्या है जहां n एक पूर्णांक है, n एक पूर्णांक है, n एक क्या है पूर्णांक है, ऑप्शन क्या दिया था इसका 1 2 6 none और none, none मतलब कोई नहीं ना, yes, अब ध्यान देंगे ट्रिपलेस प्राइम नंबर याद है, yes, प्राइम नंबर क्या क्या होता बताओ, 3 5 7 इसको याद रखना है ठीक है, यही मात्र एक ऐसा प्राइम नंबर जो दो दो के डिफरेंस में है, कितना के डिफरेंस में दो दो के डिफरेंस में, तो यही नंबर इसमें बैठाएंगे, पहले क्या एन स्क्वायर माइनस 33 ना, एन स्क्वायर माइनस क्या 33 इतना है ना, एन स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर में ना सभी, हाँ एन स्क्वायर माइनस 33 ठीक है, कितना तीन तीन ना, इसको उधर ले जाएंगे 36 होगा कि नहीं बताओ, शॉर्टकट कर रहे हैं थोड़ा सा, माइनस उधर जाएगा प्लस 33 और 3 36 होगा कि नहीं, इसको अगर रूट में तोड़ोगे तो रूट 36 आएगा कि नहीं, यानी कि इसको अगर करोगे तो कितना हो रहा 6 हो रहा है, हाँ 6 आ रहा ना, अब एन स्क्वायर माइनस 31 है ना, 31 कितना 5, दूसरा वाला का तीसरा अरे बात समझ में, तो एन स्क्वायर ये उधर जाएगा ये भी 36 होगा कि नहीं, होगा ना, होगा। तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां पर रूट आएगा 36, यानी कि एन बराबर यहां पे कितना आया 6 आया, फिर और एक बचा एन स्क्वायर माइनस 29 कितना है आगे 7 ना, 7 है ना ट्रिपल एस्ट में, तो एन स्क्वायर ये भी उधर जाएगा 29 को अगर 7 से ऐड करेंगे तो 36 होगा, तो यहां भी एन यानी कि रूट आएगा इसमें स्क्वायर हटा मतलब, तो एन बराबर कितना आ गया 6, तो कितना हो रहा आंसर 6, समझ में आया
ट्रिपलेस प्राइम नंबर से इसको बनाना है, तो एन की संख्या क्या होगी, सिक्स होगी, क्या होगी, सिक्स हो गई। और एक क्वेश्चन करेंगे, तब तो नोट करते रहो उसको। दसवां नंबर क्वेश्चन था, एन का मान बताओ, एन का मान बताओ, यदि एन स्क्वायर माइनस 14 प्लस 24 एन स्क्वायर माइनस 14 एन प्लस 24 एक अभाज्य, एक अभाज्य संख्या है, फिर क्या, बस अभाज्य संख्या है, हे तो हे तो एन का संभावित मान क्या है ना, एन का संभावित मान क्या है, मतलब एन निकालो बोल रहा है ये क्वेश्चन। देखो एक क्लास टेन जैसे एन का मान बताओ यदि एन स्क्वायर माइनस 14 प्लस 24 एक अभाज्य संख्या है, जो दिया हो उस पर काम करो पहले। एन स्क्वायर माइनस क्या है, 14 प्लस 24, पहला प्रथम और अंतिम को गुना कीजिए, यहाँ कुछ नहीं मतलब एक है, एक और 24 को गुना करेंगे तो 24 ही होगा ना, 24 को एलसीएम ले लो, यहाँ पर ऐसा जोड़ा बनाएंगे, जोड़ने या घटाने पर कितना 14 आना चाहिए, 12 6 और 2 3 है ना, तो यहाँ से देखो ऐसा बनाएंगे, 2 2 4 ना, 4 3 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 आ रहा कि नहीं, तो एन स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, 12 एन माइनस 2 एन होगा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस आ रहा है ना, ये प्लस, इसको ध्यान रखना है। तो यहां से कॉमन क्या जा रहा है, एन, तो एन एक एन बच रहा है ना, तो एक एन बार मतलब 12 बचा इधर, माइनस तो माइनस है ना, क्या जाएगा, 2 जाएगा इसमें ना, एन बचा माइनस, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस कितना होगा, 12 12 में 24 आएगा, इतना बार में ना जो इक्वल आ रहा क्या आ रहा, एन माइनस 2 और इधर एन माइनस 12 इतना आ रहा ना, तो इसमें क्या करेंगे हम वैल्यू को बैठाएंगे, ऑप्शन दिए थे ना, ऑप्शन बताओ इसका, 33 अब बी नंबर 11 फिर और क्या देते ऑप्शन, 33 11 ऐसा तो नहीं था, अच्छा 13 हाँ 33 11 तैतीस ग्यारह नहीं रहे, 13 11 ना, 13 11 फिर 17 और 23 था, 17 और 23 उल्टा पुल्टा करना नहीं फिर आएगा नहीं आंसर, 17 और कितना 23 हो गया, ये क्वेश्चन यही था ना, तो एन का संभावित मान या फिर एन का मान निकालना है, ठीक है, एन का मान हमें निकालना है, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप, वैल्यू को बैठा बैठा के देखेंगे, वैल्यू को बैठा बैठा के सभी यहां पर आवाज जैसे पहले ये है 13 है तो 13 में बैठा, बात नहीं 13 में बैठाएंगे, इसमें बैठाएंगे ना, एन माइनस कितना 12, एन माइनस 12 ना, फिर इधर एन माइनस 12 सॉरी एन माइनस 2 और एन माइनस 12 है, एन का वैल्यू बैठा 13 माइनस 2 और इधर 13 माइनस 12 घटाओ इसको, 11 गुना 1 हो रहा कि नहीं, 11 के 11 11 एक आवाज संख्या है, हे तो कितना बैठा रहा, तो 11 आ रहा है, 13 बैठा रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 13 पहले ही आ रहा तो दूसरा क्यों करेंगे, नहीं करेंगे ना, ये नहीं आता तो 11 बैठा था इसमें, ठीक है 11 बैठा था, ये भी नहीं आता तो 17 बैठा था लेकिन आ गया, इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ छोड़ दिया, क्लियर हुआ, इसको रिवाइज करना बढ़िया तरीके से, बहुत डिफिकल्ट है नहीं, इसको जो है क्लास 10 के भी देख, जो हम लोग 3 एक्सरसाइज में पढ़ रहे थे ना, 3 एक्सरसाइज में इस टाइप का था, 4 एक्सरसाइज में भी था, हाँ दिख रहा है, बाद में कभी चेक कर सकते हो, लेकिन आवाज जैसे क्या आएगा नहीं, बाद में चेक करो, तुम देखो ना यहाँ ध्यान देखो, 11 से 2 घटाओगे 9 हो रहा, 9 आवाज जैसे क्या है, क्या नहीं है, सिंपल, 17 से 2 घटाओगे 15, 15 आवाज जैसे क्या है, नहीं ये भी फेल कर गया, 23 से 2 घटाओ 21, 21 आवाज जैसे क्या है, नहीं ये भी फेल कर गया, तो ये सब होगा ही नहीं, ये सब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आवाज जैसे क्या मतलब, आवाज जैसे क्या जिसका फैक्टर केवल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, समझ में, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फैक्टोरियल को समझेंगे, फैक्टोरियल मतलब समझते हो, हाँ
हाँ फैक्टोरियल और गुणनखंड, लेकिन गुणनखंड उसको कैसे किया जाता है उसको हम लोग समझेंगे। इस तरीके से पढ़े हो ना, ये कभी पढ़े हो कि जैसे यहाँ पर छे है, छे का फैक्टोरियल क्या होगा? ये एलसीएम का चिन्ह है, इसको या ऐसे या फिर इसको इस रूप में लिखा जाता है। पढ़े हो कभी? हाँ पढ़े हो। अच्छा ठीक है, इसको इसको नेक्स्ट क्लास में इसको कराएंगे, ये फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बेहद आसान है इसका, और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे।